अच्छा जी, ये भी हमारे पास वही एक और एग्जांपल ऐसे जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर एम नॉट जो है हमारे पास 3 है, एम इज इक्वल टू 2 है, एम नॉट जो है हमारे पास 3 है, एम जो है हमारे पास 2 है, और फिर एन की हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस इसको जब तक हम लोग ग्रो करना चाहें हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास होगा क्या कि जो अगर हम लोग बाराबाशी एल्बर्ट मॉडल से हम लोग नेटवर्क जनरेट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो है वो हाई डिग्री नोड्स हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और हमारे पास उनकी डिग्री जो है वो हमारे पास बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है ये सिर्फ ग्रोथ मॉडल की बेस पे है, ठीक है, और जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है नेटवर्क, ये हमारे पास जो है वो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट भी है, ग्रोथ के साथ प्रेफरेंशियल अटैचमेंट भी है। लेकिन जब प्रेफरेंशियल अटैचमेंट का भी जो बीए मॉडल हम लोगों ने देखा है इसके अंदर ग्रोथ जो है वो इम्प्लीसिट है। इम्प्लीसिट क्यों है? क्योंकि हम लोग ऑल ऑफ सडन सारी नोड्स नहीं लेके आ रहे हैं, ओवर टाइम नोड्स लेके आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नोड नेटवर्क में जितनी पुरानी होगी उसकी हमारे पास डिग्री हाई होने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये है कि ग्रोथ मॉडल से किस तरह फ़र्क है कि इसके अंदर आपको सर्टेन जो है वो वेरी हाई डिग्री नोड्स जो है वो आपको मिलेंगे, जबकि आप ग्रोथ मॉडल के अंदर देखें तो आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो हाई डिग्री नोड्स मिलेंगी। प्रेफरेंशियल अटैचमेंट में आपको कम जो है वो हाई डिग्री नोड्स जो है वो मिलेंगे रिलेटिवली। अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैथमेटिकली ड्राइव करना चाहें तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये कहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नोड, द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू नोड कनेक्ट्स नोड आई वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस दैट द न्यू नोड इज ब्रिंकिंग विद दैट टाइम्स डिग्री ऑफ नोड आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द डिग्रीज इन द नेटवर्क, डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क, ठीक है, इसके इक्वल है। तो जो एक्चुअली हमारे पास समेशन ऑफ के जे है, अगर हम लोग इसको देखें टोटल टाइम जो है, अगर हमारे पास टी है नेटवर्क के अंदर तो हमारे पास टी नोड्स होंगी टोटल, ठीक है, टाइम टी के ऊपर हमारे पास टोटल जो नेटवर्क में नोड्स होंगी वो हमारे पास टी होंगी। और अगर हम लोग इस समेशन को देखें तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास टी नोड्स होंगी, ठीक है, और हर मतलब अगर अगर हमारे पास एक एच है तो इस एच को एक मरतबा हम लोग इस नोड के साथ काउंट करेंगे, इस नोड एक मरतबा इस नोड के साथ काउंट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टू टी एजेस होंगे, टू जो है वो अनडायरेक्टेड होने की वजह से है। और हर नोड जो है उसकी डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं, अगर सारे के सारे नोड्स के हम लोग डिग्री देखें तो हर नोड जो है वो हमारे पास डिग्री एम एजेस जो है वो लेके आई थी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, समेशन जे के जे दैट वुड बी इक्वल टू टू टी एम, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग जो है वो समेशन के जे को जो है वो हम लोग टू टी एम से रिप्लेस कर सकते हैं, एम और एम इसके अंदर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास के आई ओवर टू टी बच जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग इन दोनों साइड इसे इंटीग्रेट करते हैं आई से लेके टी तक, तो हमारे पास जो इस इंटीग्रेशन आएगी, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास के आई टी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एम टी ओवर आई का स्क्वेयर रूट, ठीक है, एम स्क्वेयर रूट ऑफ टी ओवर आई, ठीक है। और अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें कि जी टाइम टॉप पे ऐसी नोड हमारे पास आती है जिसकी डिग्री हमारे पास जो है वो के है, उसको हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास यही वाली जो चीज़ है ये हमारे पास जस्ट के आई टी को हम लोगों ने जो है वो टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया कि टॉ इज द टाइम व्हेन अ नोड विद डिग्री के इज बॉर्न, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर से वही हम लोग काम करते हैं कि टॉ और टी को हम लोगों ने जो है इसके अंदर से निकालना है, तो हम लोग जो है वो दोनों साइडों मतलब पहले टॉ और टी को एक साइड पे लेके जाते हैं स्क्वेयर रूट ख़त्म करने के लिए, हम लोग दोनों साइडों पे स्क्वेयर लेते हैं, और वही जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नोड हैज़ डिग्री के और लेस, वो हमारे पास 1 माइनस टॉ ओवर टी होगा, टॉ ओवर टी हमारे पास एम स्क्वेयर ओवर के स्क्वेयर बच जाता है, तो ये हमारे पास ये डिग्री लेस देन और इक्वल टू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, और डिग्री एग्जैक्टली के होने के लिए हमारे पास इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2m² / k³ बन जाता है। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंदर जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था वो ये था कि हर पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रही होती है कि C/k⁻¹, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो बाराबाशी एल्बर्ट मॉडल के लिए जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो मैथमेटिकली हम लोग ने ड्राइव किया है उसके अंदर सी जो है वो हमारे पास बन जाता है 2m², दैट मीन्स के जो स्लोप होगा ये हमारे पास कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, 2m² पे, ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है।
स्लोप नहीं जो बाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास 2m² होगा, कि जो भी m की वैल्यू है उसको उसका आप स्क्वेयर लें, उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, बाई एक्सिस पे आप इस जगह पे इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, और फिर अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ जाती है, ठीक है, k टू द पावर अल्फा था ना, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये रिलेटिवली स्टीप होगा हमारे पास ये मॉडल, ठीक है। तो इस किस्म की अगर आप इसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आप प्लॉट करेंगे लॉग लॉग स्केल के ऊपर, तो आपके पास इस तरह की लाइन जो है वो आपके पास नजर आएगी, अल्फा जो है वो इसके अंदर हमेशा हमारे पास 3 होगा, तो स्लोप आपको जो है वो हमेशा एक ही जैसा नजर आ रहा होगा। अब अगर आपके पास m की वैल्यू अगर आप बड़ी ले लेते हैं तो y इंटरसेप्ट ये लाइन थोड़ा ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाएगी, ठीक है, अगर m की वैल्यू आप छोटी ले लेते हैं तो थोड़ी लाइन जो है वो नीचे से शुरू होकर जो है वो डाउनवर्ड्स जाएगी, लेकिन स्लोप जो है इसके अंदर हमें जो है वो हमेशा 3 मिलेगा, स्लोप आपको एक जैसा जो है वो नजर आएगा। अच्छा जी, इसके अंदर जो है हमारे पास ये हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर c और अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती हैं, और ये जो ग्राफ इसकी बेस पे हमारे पास जनरेट होगा इट वुड बी अ कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हमारे पास हर नोड जो है वो एग्जिस्टिंग नोड से कनेक्ट कर रही है, और वी स्टार्टेड विद m नॉट कनेक्टेड नोड, सो जो भी नई नोड आएगी वो एटलीस्ट इनसे कनेक्टेड होगी, या जो पुरानी नोड्स हैं उसमें से किसी कनेक्टेड होगी, तो इन दी एंड वी विल गेट अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर ये होगा कि हमारे पास जो नोड नेटवर्क में जितनी पुरानी होगी उतनी हमारे पास उसकी डिग्री जो है वो हमारे पास हाई होगी, क्योंकि देखें इसके अंदर एक फैक्टर तो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट का है कि नई नोड्स जो है वो हाई डिग्री नोड्स के साथ कनेक्ट करेंगी, लेकिन दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर है वो हमारे पास ग्रोथ का भी है, तो हमारे पास जितनी हमारे पास नोड्स होंगी पुरानी नोड्स होंगी उनकी डिग्री जो है वो हमारे पास ज़्यादा हमें मिलेगी। तो इसको अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग टाइम ले लें और वाई एक्सिस पे हम लोग जो है वो डिग्री ले लें नोड की, तो एक हमारे पास नोड है जो टाइम टी पे लेट्स से स्ट्रेट लाइन लेट्स से ये हमारे पास ये कौन सा होगा 2, 3 टाइम 3 पे हमारे पास ये नोड जो है वो बॉर्न हुई है, ठीक है, और एक नोड है जो हमारे पास टाइम 100 पे बॉर्न हुई है। तो अब ये क्योंकि नेटवर्क में ज़्यादा देर से हमारे पास मौजूद है, तो जैसे जैसे हम लोग टाइम के हिसाब से नोड्स की डिग्री देखते हैं कि कैसे चेंज हो रही है, तो हम लोग देखेंगे कि जो नोड पहले हमारे पास नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है वाई एक्सिस पर अगर हम लोग डिग्री ले लें तो उसकी डिग्री हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नोड विच इज़ इंट्रोड्यूस लेटर इन द नेटवर्क। तो हमारे पास यह है कि जो पुरानी नोड्स हैं जिस तरह ग्रोथ मॉडल में होता है कि पुरानी नोड्स की हमारे पास डिग्री ज़्यादा होती है, तो इसी तरह हमारे पास बाराबाशी एल्बर्ट मॉडल के अंदर भी जो पुरानी नोड्स हैं उनकी डिग्री हमारे पास हाई होगी, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर एक और फैक्टर जो है वो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट का भी है कि हमारे पास जो हाई डिग्री नोड्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा कनेक्शन जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग जो है वो एक मतलब इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं नेटवर्कों के ऊपर।